तस्वीरें सीधी आपको मॉर्चरी से दिखा रहा हूं। प्रिंस 21 वर्षीय उमर राजौरी में आतंकियों द्वारा कायराना हरकत में क्रिटिकल इंजर्ड होते हैं और वहां से उन्हें जो है लाया जाता है एयरलिफ्ट कर जीएमसी जम्मू। यहां वो लगभग 2 से 2.5 दिन जो है ज़िंदगी से जंग लड़ते हैं और जंग लड़ते हैं, फाइट भी करते हैं, सुधार थोड़ा सा आता है, फिर तबीयत जो है वो नासार होती है। इसी बीच जो है अटेंडेंट्स जो है वो भी परेशान होते हैं, गुहार लगाते हैं सरकार के आगे। सरकार नींद से जागती है, 8 सदस्यों की डॉक्टरों की टीम भेजती है देर रात को, वो भी परसों यहाँ पहुँचे, कंडीशन देखी और कहा कि लिटल जो है वो क्रिटिकल जो है वो है, लेकिन सुधार जो है वो हो रहा है। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है, देख सकते हैं परिवार वाले जो है इस समय सदमे में हैं, क्योंकि इकलौता सहारा था माँ का जो आज दुनिया में नहीं रहा। प्रिंस शर्मा जो है वो आतंकियों की गोलियों का शिकार हुआ था, बड़ी बुरी तरह से इंजरीज जो थी उसको हुई थी। आज लगभग 2 से 2.5 बजे जो है उसने अंतिम सांस ली है अस्पताल में, ये बताया जा रहा है, और आज वो अपनी ज़िंदगी से जंग जो है वो हार गया। आज उसकी माँ का सहारा छीन लिया गया, भगवान ने जो मंजूर था भगवान को वही हुआ। देख सकते हैं परिवार में इस समय जो है वो सन्नाटा पसर गया है, परिवार जन जो है उनके आंखों में आंसू हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। यहाँ से मॉर्चरी से सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ से अब पार्थिव शरीर जो है उसे एम्बुलेंस में डाल दिया गया है और अब जो है एम्बुलेंस जहाँ से जो है वो निकलती हुई नजर आएगी आपको। कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे, राजौरी में जो है अंतिम संस्कार जो है प्रिंस शर्मा किया जाएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि एक माँ का सहारा इस दुनिया से चला गया है और कम से कम जो इस वीडियो को देखे माँ तक जुड़ पहुँचे, और ये चीज़ें जो है काफ़ी कुछ जो है वो बयां करती हैं कि किस कदर जो है आतंकियों ने मासूम जिंदगियों को छीन लिया। 6 जिंदगी ऑलरेडी जा चुकी थी और आज एक और ज़िंदगी जो है वो भगवान को प्यारी हो गई। तो आप भी इस सफ़र में ओम शांति लिखें उनकी आत्मा की शांति के लिए, वीडियो को शेयर करें ताकि माँ तक जो है हर एक शख्स जो है पहुँचे, सरकार भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है इस परिवार की करे, क्योंकि आज परिवार जो है वो अधूरा हो गया, क्योंकि प्रिंस शर्मा आज दुनिया में नहीं। ये दर्दनाक वाक़ा जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं किसी की न किसी की जिम्मेवारी फिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। ये आतंकवादी बिना किसी लोकल सपोर्ट के तो इतने महीनों से एक था कि मूवमेंट हो रही है, ये यहाँ घूम रहे हैं, और आतंकवादी बिना लोकल सपोर्ट के इतने दिन वहाँ रह नहीं सकते थे। प्रिंस चला गया, प्रिंस का भाई पहले चला गया, 7 लोग शहीद हो गए। इनकी शहादत को देश नहीं भूल पाएगा, जम्मू कश्मीर नहीं भूल पाएगा, पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट को ढूंढने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि उसके बाद अब पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी CRPF की 18 कंपनियाँ जो हैं वो आ गई हैं। ये ठीक है कि NIA की टीम वहाँ पर है, हमें लगता है कि NIA की टीम जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर फिक्स करेगा कि हादसे का जिम्मेवार कौन है और ये क्यों हुआ। देखिए प्रिंस के घर में अब कौन है, 2 भाई थे, दोनों चले गए, माँ है, अब माँ जो है उसने अपने दोनों लाल देश के लिए निशावर कर लिए, देश के लिए उसके दोनों लाल जो है बलिदान हो गए। एक बड़ा ही साधारण, और तो हम कहें कि बड़ा ही साधारण परिवार था। ये तस्वीरें आपने GMC मॉर्चरी की देखी हैं। आज एक दुखद खबर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरीके से राजौरी के अंदर आतंकी हमला होता है और उसमें 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है आतंकियों द्वारा, 2 उसमें मासूम बच्चे भी जिन्हें ID के साथ जो है उड़ा दिया जाता है, उसमें 4 जो थे वो अडल्ट थे, लेकिन अब 2 लोग ऐसे थे जो यहाँ GMC में उन्हें रेफ़र किया गया था। हालाँकि 3 से 4 लोग किए गए थे, उनमें से कुछ लोग ठीक होकर जहाँ से चले गए, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिसमें एक बच्ची थी 6 साल की और एक प्रिंस शर्मा जो था वो यहाँ पर एडमिट, वो क्रिटिकली इंजर्ड था, उसे एयरलिफ्ट कर यहाँ लाया गया था। 2 दिन पहले ही वो GMC रेफर किया था उसे, लेकिन देर रात को उसके जो अटेंडेंट जो है आरोप लगाते हैं कि GMC के जो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, हमारा इकलौता बच्चा है, इसको बचा लीजिए। उस समय जो LG हैं वो 8 सदस्यों की टीम भी नियुक्त करते हैं, देर रात को यहाँ पहुँचे, LG खुद भी यहाँ विजिट करते हैं। कल की तस्वीरें भी आप तक पहुँचाई हैं, लेकिन अब मॉर्चरी की तस्वीरें आप तक पहुँचाई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी अभी जो है प्रिंस शर्मा जो है उसको यहाँ से ले जाया गया है और अब जो है उसका अंतिम संस्कार जो है विधि पूर्वक जो है हिंदू क्रियाक्रम के साथ जो है वो किया जाएगा उसके गृह में, जो यानी कि राजौरी के अंदर पहुंचकर। अभी अभी यहाँ से एम्बुलेंस जो है वो निकल चुकी है परिवार में, और जो जहां पर जितने भी लोग थे उनकी तस्वीरें आपने देख ली कि उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इकलौता शख्स था, 23 साल मात्र इसकी उम्र थी और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा है। उसने जंग बहुत लड़ी ज़िंदगी से, जंग बहुत लड़ी, लेकिन उस जंग में वो हार गया, शायद भगवान को यही मंजूर था। लेकिन आज परिवार में सन्नाटा पसरा, उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में जो है वो आंसू हैं, उसकी माँ जो है वो लगातार ये गुहार लगाती रही कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को। डॉक्टरों ने प्रयास बहुत किया,
लेकिन भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता, शायद यही मंजूर था भगवान को। आज प्रिंस शर्मा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। एक और मौत में इजाफा हुआ है, राजौरी टेरर अटैक जो हुआ उसमें निर्मम हत्या में प्रिंस शर्मा जो है उसका भी नाम शामिल हो गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। तस्वीरें अब तक पहुँचा दी हैं, आतंकियों ने तो नापाक हरकत करी लेकिन अंजाम जो है मासूम जिंदगियों को उनके परिवारों को भुगतना पड़ा। अदर ओरा के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।